अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10, सेगमेंट नंबर 1। लेक्चर नंबर 7, 8, 9 में वी डिड इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिटिंग प्रोसेस। आपको मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि देर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ऑडिट, वन इज़ एक्सटर्नल ऑडिट एंड वन इज़ इंटरनल ऑडिट। लेक्चर 1, 2, 6 वी वर डूइंग एक्सटर्नल ऑडिट, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स। लेक्चर नंबर 7, 8, 9 में हमने इंटरनल ऑडिट को डिस्कस किया था, हमने इंटरनल ऑडिटिंग के स्टेप्स को डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स लागू हैं ISA में उनको हमने डिस्कस किया था, जिनसे रिलेटेड आपने असाइनमेंट्स की और फिर उस पर आपने प्रेजेंटेशंस दी। सो दैट वाज अ वेरी गुड एफर्ट टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड ऑडिटिंग। नाउ इन लेक्चर नंबर 10 वील डू द ऑडिट कमेटी। नाउ व्हाई इज़ द ऑडिट कमेटी सो इम्पॉर्टेंट? ऑडिट कमेटी इस वजह से इम्पॉर्टेंट होती है कि इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द ऑडिट कमेटी। सो वेन एवर यू आर डीलिंग विद इंटरनल ऑडिटिंग, यू आर बेसिकली डीलिंग विद द ऑडिट कमेटी। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो भी ऑडिट कमेटी से ही डील करता है। द एक्सटर्नल ऑडिटर डज नॉट डील डायरेक्टली विद द मैनेजमेंट, द एक्सटर्नल ऑडिटर डील्स विद द ऑडिट कमेटी, और जो ऑडिट कमेटी है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है उसको क्लियर स्पेसिफिकेशंस देती है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सटर्नल ऑडिटर की। अपनी अगर कोई रिलेटेड टू द ऑडिटिंग प्रोसेस नीड्स हों तो वो ऑडिट कमेटी एंटरटेन करती है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। सो ऑडिट कमेटी विल ऑलवेज बी इन द लूप व्हेन वी आर डीलिंग विद ऑडिटिंग, वेदर इट इज़ द इंटरनल ऑडिटिंग और द एक्सटर्नल ऑडिटिंग। नाउ वील स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ऑडिट कमेटी। व्हेन वी आर डन विद दिस लेक्चर, सो यू विल बी एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड द व्हाट ऑडिट कमेटी इज and why it is important to an entity. Second, we'll discuss the main requirements of this committee. Then we'll discuss the role and responsibilities of the audit committee. Wo kaun kaun si responsibilities or role hain jo audit committee ko nibhane padte hain. Then we'll discuss the chief audit executive, CAE. Chief audit executive is a very important designation in any organization when it comes to the audit, so we'll also discuss it. Then we'll discuss the main advantages and disadvantages of having the audit committee, and finally we'll discuss the remuneration, the salaries, how the audit committee is nominated. Now when we'll do this ऑडिट कमेटी इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो उसमें हमारा ISA 610 से रिलेटेड प्रेजेंटेशन भी होगी, तो वो जिस ग्रुप ने असाइनमेंट में की थी दे विल हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन एज वेल, एंड दैट विल गिव अस अ बेटर पिक्चर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज़ एन ऑडिट कमेटी? एन ऑडिट कमेटी इज़ अ ग्रुप ऑफ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स set up by and work under the supervision of the board of directors of an entity. Now what is a non-executive director? इस टर्म से आपको क्लियर होगा कि non-executive directors जो है वो executive nature का नहीं होता। And what does executive means? कि जो non-executive directors होते हैं they do not deal with the day-to-day management and running of the organization. तो जो audit committee है उसमें हमेशा non-executive directors आते हैं ताकि दे कैन सोली कॉन्सनट्रेट ऑन द ऑडिटिंग प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑडिटिंग प्रोसेस विच इज़ डन इन कोलेबरेशन विद द एक्सटर्नल ऑडिटर्स। सो नाउ दिस इज़ द रोल ऑफ द नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स ये जो ऑडिट कमेटी है ये इस वजह से बनाई जाती है क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है, स्टैचुरी नीड है।
sometimes it is made for the purpose of better corporate governance, how the company is governed, how the organization is run. तो ये तो दो इसके बेसिक हो गए मोटिव्स फॉर मेकिंग दिस कमेटी. द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी जर्नली कम फ्रॉम डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, बैकग्राउंड एंड इंडस्ट्री. आप एक जो ऑडिट कमेटी बनाते हैं उसमें आप कोशिश करते हैं कि डिफरेंट टाइप के लोगों को उठाया जाए, उनकी डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, बट बाय लॉ इट इज़ नेसेसरी उनमें एटलीस्ट एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जिसको रीजनेबल लेवल ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ हो, ताकि वो जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सके और बाकी ऑडिट कमेटी को गाइड कर सके कि फाइनेंशियल मैटर्स को कैसे हैंडल करना है और हाउ टू अंडरस्टैंड दोज मैटर्स. नाउ दिस ऑडिट कमेटी इज़ वन ऑफ द मेजर ऑपरेटिंग कमेटीज ऑफ अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इट इज़ इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो कैसे बन रही हैं, डिस्क्लोजर उनसे रिलेटेड क्या हो रहा है. ऑल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज मस्ट मेंटेन अ क्वालिफाइड ऑडिट कमेटी. नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड बाई लॉ एज वेल. SEC में भी अगर आप SEC का लॉ भी पढ़ेंगे तो उसमें ऑडिट कमेटी से रिलेटेड बड़ी क्लियर पॉइंट्स दिए गए हैं लॉ में कि ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, उसका मेकअप क्या होना चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किसी और कंट्री की लेजिस्लेशन को उठाएंगे रिलेटेड टू द फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, सो यू विल फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑडिट कमेटी. सो इट इज़ इन फैक्ट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस. द ऑडिट कमेटी कैन एक्सपेक्ट टू रिव्यू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इशूज एंड रिसेंट प्रोफेशनल रेगुलेटरी प्रोनाउंसमेंट्स टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक तो जो भी आपके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग इशूज़ आ रहे हैं उनको वो ज़रूर देखेगी, उसको वो चीज़ें अंडर डिस्कशन आएंगी, अंडर ऑब्जर्वेशन आएंगी. उसके अलावा अगर आपकी कोई नई रूल्स आ रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली ऑडिट कमेटी उन रूल्स को उठाएगी और उनको स्टडी किया जाएगा कि वो जो रूल्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, आपके ऑडिटिंग प्रोसेस पे. नाउ व्हाट डज द ऑडिट कमेटी डू? द ऑडिट कमेटी रिव्यूज द रिजल्ट्स ऑफ एन ऑडिट विद मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स. जो भी ऑडिट के रिजल्ट आते हैं, एक तो ऑडिट कमेटी ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडिटर वो डिस्कस करती है मैनेजमेंट के साथ, ताकि उनको बताया जाए कि कंपनी की जो रनिंग है इज़ इट ओके, इफ़ इट इज़ नॉट अप टू द मार्क एंड इफ़ इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसमें क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, वो ऑडिट कमेटी बताती है टू द मैनेजमेंट. इसमें आपके और भी बाकी मैटर्स आ सकते हैं, जैसे आ सकता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे जो कंट्रोल है वो क्या कैसा है, वो किसका कंट्रोल है. फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सिक्योरिटी है वो भी ऑडिट कमेटी उसका भी रिव्यू करेगी. ऑपरेशनल मैटर्स जो हैं, ये तमाम चीज़ें हैं ये ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी अथॉरिटी में लाए करती हैं. The audit committee is responsible for appointment, compensation and oversight of the work of the auditor. अब उसकी responsibility auditor के तमाम जितने functions हैं वो audit committee की ही responsibility है. auditor का कैसे perform करेगा, उसको कैसे remuneration दी जाएगी against the work, ये तमाम चीज़ें audit committee define करती है अपने scope में और फिर इनको implement भी करती है. As such, auditors report directly to the audit committee, not to management. Now, why do auditors do it? Auditors do it ताकि आपके जो कंपनी का ऑडिटिंग प्रोसेस है उसमें कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, यहाँ impartial रिपोर्टिंग हो, तभी वो ऑडिट कमेटी को देते हैं. और जो ऑडिट कमेटी है इट इज़ made up of the non-executive members. So since those members are not related, connected to the day-to-day running of the company, so they don't have any conflict of interest with any process within the organization. Audit committees meet separately with external auditors to discuss matters that the committee or auditors believe should be discussed privately. तो ये आपको मैंने already बताया है कि internal auditor हो या external auditor हो, audit committee से ही उनकी dealing होती है.
The audit committee also reviews proposed audit approaches and also handles coordination of the audit effort with internal audit staff. कि जो ऑडिट एफर्ट आपका लग रहा है, जो पूरा प्रोसेस है, वो भी ऑडिट कमेटी ही डिस्कस करती है विद दी ऑडिट स्टाफ. ऑडिट स्टाफ वो स्टाफ है जिसने ऑडिट करना होता है. व्हेन एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट, द कमेटी विल रिव्यू एंड अप्रूव द ऑडिट प्लान, रिव्यू स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंक्शन. तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इनफैक्ट आती हैं अंडर द हेडिंग ऑफ ऑडिट प्लानिंग. वो हम आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं इसका एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि ऑडिट प्लानिंग जो है वो भी ऑडिट कमेटी ही करती है टू मेक श्योर दैट इट इज़ रन स्मूथली. ऑडिट कमेटीज मस्ट हैव अथॉरिटी ओवर देयर ओन बजट्स एंड ओवर एक्सटर्नल ऑडिटर्स. अब वाई इट शुड हैव अथॉरिटी over its own budget, ताकि they should have sufficient resources to conduct their functions properly and over the external auditors as well. इनके पास authority होती है ताकि ये ही external auditors से company के behalf पे deal करें और उनको नामजद करें ताकि किसी किस्म का कोई conflict of interest या biased reporting ना हो. Now we'll discuss the audit committee requirements. The audit committee is a combination of non-executive and independent directors. Now, what is an independent director? What is independence? Independence जो है ये पहली requirement है audit committee की. Independence here refers to both independence from operation, जो आपको मिलता है non-executive members हैं, and independence from any kind of interest involved with the company. किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए इस ऑडिट कमेटी का. द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर नॉट अलाउड टू बी मेजर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ऑफ द एंटिटी. अगर वो जो ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं वो कंपनी के सप्लायर्स हैं या कस्टमर्स हैं, तो उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है कंपनी में, उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा अपने इस रिलेशनशिप की वजह से. लिहाजा दे कैन नॉट बी द सप्लायर्स और कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, एंड दिस इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एज वेल. मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर नॉट अलाउड टू बी मेजर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ऑफ द एंटिटी. दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट कमेटी. Now we'll do the role and responsibilities of the audit committee in segment number 2, and then in segment number 3 we'll end this audit committee lecture, and then afterwards we'll move on to the charter, which we discussed in 7, 8, 9 as well in brief, but now we'll go into the details.